हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं नील नायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को हम प्रतिधारित अर्जनों की लागत के रूप में भी समझते हैं। इसको एक शॉर्ट रूप में जिसमें समझते हैं वो है KR। इससे पहले आपने KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, KD कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है इसी सिलसिले में आगे बढ़ता हुआ जो है KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये KR होती क्या है यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होती है। किसी भी संस्था के, किसी भी कंपनी के जो लाभ होते हैं, कर पश्चात जो लाभ होते हैं, उनमें से क्या होती है कंपनी के सारे लाभ इक्विटी शेयर के जो धारक होते हैं उनको डिवाइड न करके उनमें से कुछ है जो लाभ है जो रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेती है। वो किस लिए होता है उसको और अन्य कार्यों में या संस्था की कैपिटल के रूप में शामिल करके अन्य जो कार्य है यानी कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जिससे कि संस्था को और अधिक लाभ की प्राप्ति हो, तो वो लाभ की दृष्टि से यानी संस्था किसी न किसी तरीके से लाभ कमाए उस चीज़ को सोचते हुए वो है जो पैसा रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो वैसे तो उसकी कोई लागत नहीं होती है लेकिन उसकी अवसर लागत जरूर होती है। अवसर लागत ये किस तरीके से होती है, क्योंकि यदि वो पैसा डिविडेंड के रूप में अंशधारियों यानी इक्विटी शेयर के जो धारक हैं उनको यदि दे दिया जाता तो वो कहीं ना कहीं उनको इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे, लेकिन अब वो क्या है उससे वंचित है, ठीक है। क्योंकि वो सारा पैसा कंपनी के पास है, अभी बार ट्रांसफर यानी डिविडेंड के रूप में उनके पास आया नहीं है, तो इसलिए उसकी क्या हो जाती है अवसर लागत हो जाती है। अवसर लागत इस तरीके से क्योंकि वो पैसा यदि डिविडेंड के रूप में यदि धारकों के पास आ जाता वो उनको इन्वेस्ट करते पैसा कमा सकते थे लेकिन अब नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि वो शेयर जो पैसा जितना था जो शेयर का वो सारा सारा कंपनी के पास ही है, उसको कैपिटल में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से जो कैपिटल में शामिल करने के कारण है जो कैपिटल पूंजी तो बढ़ गई है लेकिन उससे वंचित हो गए हैं इक्विटी के धारक, तो इसलिए उसको अवसर लागत के रूप में समझा जाता है। क्योंकि उनके पास अवसर था उसको कहीं अलग डिविडेंड के रूप में प्राप्त करके अलग लगाने का, लेकिन वो अवसर अब नहीं है तो इसलिए उसको अवसर लागत के रूप में समझा जाता है। तो इसी तरीके से उसको KR हम बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो अवसर लागत के रूप में ही होती है। तो इसको जिस फॉर्मूले के रूप में हम समझते हैं तो पहले तो बात कर लेते हैं इसमें किन किन का समायोजन किया जाता है। सबसे पहला वो होता है टैक्स का, वो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल टैक्स। दूसरा होता है कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि वो जो डिविडेंड थे वो पूंजी में शामिल हो गए हैं तो कैपिटल गेन टैक्स के रूप में भी लगेगा। और तीसरा होता है ब्रोकरेज, दलाली वगैरह और आदि अन्य जो इसमें जो खर्चा है उनका वो शामिल है। तो इन तीनों का एडजस्टमेंट करते हुए, ब्रोकरेज वगैरह अन्य जो समायोजन, इन तीनों का समायोजन करते हुए एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से जो KR यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की जो है वो ये लागत हम निकालते हैं। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको बोलते हैं, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी है, ये रिटेन अर्निंग के रूप में इक्विटी धारक है वो उनकी है। तो इस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज लेंगे हम उन फॉर्मूलों को लिखते हैं। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो ये है। सबसे पहला जो KR का फॉर्मूला है रिटेन अर्निंग का वो है D यानी डिविडेंड बटे MP, मार्केट प्राइस है वो जो शेयर के वो लेंगे हम यहाँ। इसके अलावा यहाँ आगे दिया है 1 माइनस TP, TP पर्सनल टैक्स है, टी एंड टैक्स, पी ए पर्सनल से पर्सनल टैक्स है। 1 माइनस B, बी ब्रोकरेज है, दलाली। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है बटे में 1 माइनस TC यानी टैक्स है कैपिटल गेन का, टैक्स कैपिटल गेन का × 100। तो ये तो है जब आपको डिविडेंड दिया गया हो। यदि डिविडेंड नहीं दिया जाता है, यदि आपको अर्निंग दी गई हो, अर्निंग पर शेयर दी गई, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का हम यूज़ लेते हैं। यहाँ अर्निंग पर शेयर आ जाएगी और नीचे वही मार्केट प्राइस है, बाकी ये सेम ही चीज़ें हैं। ऊपर जो दी गई है ये पर्सनल टैक्स है, ब्रोकरेज है, कैपिटल गेन टैक्स है, × 100 है। इसके अलावा यदि आपको ग्रोथ रेट और दे दी जाए अलग से,
ठीक है। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये लगेगा, ये डिविडेंड मार्केट प्राइस आ जाएगा 100 और इनटू ये है ग्रोथ रेट जो भी दी जाएगी हमें ऐड करनी है, 1 माइनस ये पर्सनल टैक्स है, ये ब्रोकरेज है, ठीक है। तो इनका हम एडजस्टमेंट करते हुए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हमें सीधा ही डायरेक्ट दे दिया जाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दे दी जाए, तो उस कंडीशन में हम उसका पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज है उसका एडजस्टमेंट करते हुए इस फॉर्मूले का हम यूज़ लेते हैं। तो इस तरीके से इसके जो चार फॉर्मूले हैं इनका हम प्रयोग करते हुए जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकाल सकते हैं। तो आप इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जिससे आप समझ सको कि ये इन फॉर्मूला का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि DPS यानी डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 9 रुपीज़, इनकम टैक्स दे रखा है 30%, कैपिटल गेन टैक्स दे रखा है 20%, मार्केट प्राइस दे रखी है वो है 100 रुपया, KR हमें निकालना है। तो इनमें आप देख रहे होंगे कि इसमें ब्रोकरेज नहीं दे रखी है, तो ब्रोकरेज नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ब्रोकरेज वाली ये जो है 1-B इसको हम नहीं लिखेंगे, ब्रोकरेज दिया हो तो 1-B कर दे, अदरवाइज इसको नहीं लिखना अपने को। तो इन्हीं ऊपर वाले में क्योंकि डिविडेंड दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है हमें, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम ऊपर ही ऊपर जो सबसे पहले एक नंबर दिया हो। तो मैं आगे करता हूँ इसको, तो सबसे पहले डी 9 रुपये दे रखा है अपॉन नीचे आएगा MP 100 रुपया, नीचे आएगा 1 माइनस जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 20% है, एक का 20% इसको 0.2 के रूप में लिखना है, 0.02 नहीं 0.2, 0.2 मतलब 0.20 होता है। फिर आगे लिखना है पर्सनल टैक्स, 1 माइनस पर्सनल टैक्स 30% है तो 0.3 लिखूंगा मैं इसको। तो इस तरीके से ब्रोकरेज नहीं है तो इसको खाली छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इस तरीके से इंटो में साथ में 100 हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या है आंकड़े इसमें क्या है फिलअप कर देते हैं फॉर्मूले में। अब इसका देखते हैं कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना कैसे क्या आता है। तो सबसे पहले आगे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ये इसमें से घटा देते हैं, एक में से 0.3 घटाए तो 0.7 आ जाएगा, तो 9 को 0.7 से गुणा, पहले एक स्टेप कर लेते हैं 9, फिर है 0.7, फिर नीचे आएगा 100, इधर है एक में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 इंटू 100 से 100 ये काट देते हैं, ऊपर रह जाएगा 9, ये आ जाएगा 6.3% आ जाएगा, ये सॉरी 6.3 आ जाएगा, इसको 9 को 0.7 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 0.8 रह जाएगा नीचे, 0.8 का हम ये 6.3 में भाग लगा के देखते हैं कैलकुलेटर से कि कितना मान आता है। इसका जो मान है वो आ रहा है 7.875%। तो इस तरीके से KR की है जो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरीके से ये आ गई है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ये है। तो इस तरीके से हम यदि हमारे पास कोई एक दो चीज़ें मिस भी करें या कोई दी भी नहीं हो तो भी हम इसको अपन इस तरीके से ही निकालेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है दूसरा जिसमें DPS दे रखा है 15 रुपये है और इनकम टैक्स 30% है, ब्रोकरेज 1% है ये, और मार्केट प्राइस 110 रुपये है, KR बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब KR निकालना है हमें। तो इसमें आप देखेंगे कि इस बार ब्रोकरेज दे रखी है लेकिन ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया है, यदि कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ये फॉर्मूला सॉरी ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज लेंगे क्योंकि इसमें अर्निंग है, ठीक है। तो हमें डिविडेंड दिया गया इसलिए ऊपर वाले फॉर्मूले को हम काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े फिलअप कर लेते हैं इसके, डी यहाँ आ जाएगा 15 इंटू में 1 माइनस TP, तो 1 माइनस TP है 30% है, इसको 0.3 लिखना है, ब्रोकरेज है 1%, 1 माइनस एक का 1% 0.01 होता है, 0.01% होगा ये, और नीचे जो मार्केट प्राइस है वो है 110 इंटू 100। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, ठीक है। नीचे हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिया तो हमने कोई बात नहीं दिया तो इतना ही कर लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इसको हल करें, तो सबसे पहले इसको करें तो ये 15 इंटू 0.7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटू में 0.99, एक में से 0.01 घटाएंगे तो 0.99 आ जाएंगे, इसके बाद में नीचे आ जाएगा 110 इंटू 100,
कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका कि कितना आता है, और 110 का इन सबको गुणा करके भाग लगाएंगे तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इन सभी की जो वैल्यू है वो आ रही है 9.45%। तो इस तरीके से हमारा जो KR है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, वो है 9.45%। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने नॉर्मली इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन हल किए हैं, इसमें डिविडेंड दिया गया, ठीक है, DPS है, तो उसके अकॉर्डिंग किया हमने। यदि टैक्स कैपिटल गेन टैक्स नहीं देते उसको हम छोड़ देंगे, यदि ब्रोकरेज नहीं दी जाती तो उसको फॉर्मूले में हम नहीं लिखते हैं। तो जो चीज़ हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ भी ये चीज़ हमें नहीं दी गई है तो हम कैसे करें इसको। तो जो चीज़ें हैं उनको लिखो और उसको क्वेश्चन को हल करो। यदि अर्निंग पर से दी जाती है, ठीक है, तो वो हम यहां लिख करके बाकी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही कर देंगे। और यदि हमें ग्रोथ रेट और दे दी जाए, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला वो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इसमें डिविडेंड फिर मार्केट प्राइस इनटू 100, और फिर इससे आप हल करोगे तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है, ठीक है, डिविडेंड मेथड के आधार पे। और इसमें ग्रोथ रेट और जोड़ देते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो आ जाएगी इक्विटी शेयर की, और साथ में पर्सनल टैक्स और ब्रोकरेज का एडजस्टमेंट कर देंगे तो KR आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल सीधा दे दे हमें निकाले हुए, और तो हमें किसका एडजस्टमेंट करना होता है, पर्सनल टैक्स का और ब्रोकरेज का हमें एडजस्टमेंट करना होता है, और इसके बाद में हम क्या निकाल सकते हैं, KR सीधे हमें प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास जिस फॉर्मूले के द्वारा या जिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन दिया जाए, आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। चाहे DPS हो, चाहे EPS हो, डिविडेंड पर शेयर या अर्निंग पर शेयर दे दी जाए तो आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो आप निकाल करके कर सकते हो। EPS से संबंधित हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, और DPS से संबंधित भी हमने क्वेश्चन किए हुए। तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल तो निकालनी आती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इसी पे कई वीडियो जो क्वेश्चन किए थे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल करके बस इनका पर्सनल टैक्स, ब्रोकरेज और कैपिटल गेन टैक्स का ही एडजस्टमेंट करना होता है, बाकी सेम ही क्वेश्चन वैसा ही है। तो इस तरीके से हम आज इतना ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।